16 अप्रैल 2022 वो दिन जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर बड़ी हिंसा देखने को मिली और हिंसा भड़काने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। करीब 8 महीने बाद अंसार जेल से बाहर आया और एक बार फिर उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक शनिवार को ही मोहम्मद अंसार और जाकिर जेल से बाहर आए थे। जमानत पर रिहा होने के बाद अंसार ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। यही अंसार का वो घर है जहां पर जमानत पर बाहर आने के बाद अंसार ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ भारी भीड़ दिखाई दी बल्कि जमकर ढोल ताशे भी बजाए गए। इस भीड़ के बीच से ही अंसार एक बार फिर अपने मंसूबे बताए और बदला लेने की बात कही। अंसार एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने अंसार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम अंसार के घर के बाहर मौजूद है। जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक का इलाका है। यहाँ बताया जा रहा है कि अंसार 2 दिन पहले लौटा था। 2 दिन पहले ही उसको जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद वो जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे अपने ढोल ताशों के साथ उसने अपना स्वागत कराया बल्कि यहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश भी की। लोगों को ये बोलता हुआ नजर आया अंसार कि वो अब वापस लौटा है, जो भी उनके दुश्मन हैं उनसे बदला लिया जाएगा। और ऐसा पुलिस को लगा कि पुलिस पर जानकारी पहुंची कि दोबारा से यहाँ पे मोहल्ले में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए अंसार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंसार और उसके साथी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस को भनक लगी और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में मोहम्मद अंसार, जाकिर, जुनैल और अरबाज शामिल हैं। अंसार की गिरफ्तारी को लेकर जहांगीरपुरी में लोगों ने नाराजगी जताते हुए इसे गलत बताया। परसों अंसार यहाँ पे आया तो ढोल ताशे लेकर आया था? नहीं, हंगामा हुआ था यहाँ पर? नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था परसों? ले गई है पुलिस। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आराम से आए, उनको बस उनके जानने वाले मिलने आए थे उनसे। वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। जो भी आप बोल रहे हो, ढोल ताशे, किसी को धमकी देना, अशांति फैलाना, ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने। ऐसे कुछ नहीं, लोग ऐसे मिलने के लिए आ रहे थे और बाकी ऐसे कुछ भी बात नहीं हुआ। हाँ, तो पुलिस ने क्यों दोबारा गिरफ्तार किया? क्या बताया आप लोगों को, क्या पता लगा? अब इसके लिए हमें पता नहीं। हम सुबह कहीं दूसरे जगह पढ़ाने चले गए थे, हम शाम में आए थे, पता चला कि अंसार भाई उठा के ले गए। वैसे नहीं हम जानते। जिस तरीके जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी उसके बाद दोबारा यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल खराब हुआ कभी पिछले 8 महीनों के अंदर? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, जब हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा में जमकर हिंसा हुई थी। इस हिंसा में न सिर्फ जमकर पथराव हुआ, आगजनी और तोड़फोड़ से पूरा इलाका सहम उठा था। इस उपद्रव में न सिर्फ पुलिस वाले बल्कि आम लोग भी आए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई गिरफ्तारियां भी की। इस गिरफ्तारी में मोहम्मद अंसार भी शामिल था, जो हिंसा का मास्टरमाइंड था। जब हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस के सामने ही वो अपनी हेकड़ी दिखाता नजर आया। इसके बाद उसकी एक के बाद एक बंदूक हाथ में लिए तस्वीरें सामने आई। हिंसा के 8 महीने बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम कुशल चौक पहुंची, जहां अब किस तरह के हालात हैं इसका जायजा लिया। फिर वही इलाका दिखाते हैं जहां पर हिंसा हुई थी। आप देख सकते हैं कुशल चौक का यही इलाका है जहां पर हमने भारी पुलिस बल को तैनात देखा था, क्योंकि इसी चौक पर एक जमकर बड़ा बवाल जो है वो हमने यहां होता हुआ देखा था। यहां पर बड़ा एक हिंसा हुई थी और इस हिंसा के बाद यहां पर काफी समय तक पुलिस की जो एक छावनी थी वो यहां बनी रही और यहां पर कुछ छुटपुट घटना जरूर हुई लेकिन हिंसा उसके बाद कभी नहीं हुई। और अब जब जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी बाहर आया तो उसने यहां पर आकर दोबारा से माहौल को अशांत करने की कोशिश की। यहां पर अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने उसको दोबारा से गिरफ्तार किया। अब वो 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। पहले हिंसा, फिर गिरफ्तारी, अब जमानत के बाद फिर गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड अंसार जेल के बाहर निकलते ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस मुस्तैद थी और इसी मुस्तैदी के चलते अंसार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली को फिर सुलगाने की कोशिश हो रही है? जिस तरह से अंसार ने बदला लेने की बात कही, इससे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
दिल्ली से मोहित ओम के साथ टाइम्स नाउ भारत।